हेलो गाइस, स्वागत है आपका रेंट अ गर्लफ्रेंड सीजन 4 के एपिसोड 11 में। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कासुया की दादी ने एक ट्रिप का प्लान बनाया था और रूका ने मिसुहारा को कासुया से दूर करने के लिए झूठ बोला था कि वो उसके साथ लवी डवी कारनामे कर चुकी है। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में कासुया की फैमिली उसकी दादी को लेने आई हुई थी और उसकी मोम उसे बोलकर जाती है कि घर पे भी कभी कभी शक्ल दिखा दिया करो। अब कासुया सोच रहा था दादी को अचानक से ट्रिप का प्लान कहाँ से याद आ गया और मिसुहारा के लिए ओवरनाइट ट्रिप पे जाना रूल्स के अगेंस्ट है, पर उसने दादी की एक्साइटमेंट को देखकर हाँ कर दी है और वो मिसुहारा को स्विम सूट में इमेजिन करता है। वो सोचता है कहीं मिसुहारा ने मेरे लिए ही तो हाँ नहीं किया। उसके दिमाग में गंदे विचार आ रहे थे, फिर वो अपने आप को ये कहकर संभालता है कि एक रात में उसमें ऐसी फीलिंग्स डेवलप नहीं हो सकती और वो सोचता है कल जो भी हुआ उसके लिए मुझे उससे माफी मांगनी चाहिए और शायद ये मेरा कन्फेशन करने का चांस भी बन जाए। और वो उसके रूम की तरफ जाने लगता है, तभी मिसुहारा रूम से बाहर आती है तो वो कहता है क्या तुम मॉर्निंग क्लासेस के लिए जा रही हो। मिसुहारा कुछ भी नहीं कहती, वो कहता है कल जो भी हुआ उसके लिए सॉरी और कल तुमने मुझे दादी से भी बचा लिया। मिसुहारा अभी भी चुप थी। कासुया सोचता है शायद ये हाँ करके रिग्रेट फील कर रही है और वो कहता है आई एम रियली सॉरी, मैं दादी से बात करूंगा और ध्यान रखूंगा कि आगे से फिर कभी ऐसा ना हो। मिसुहारा कहती है मुझे जाना है और वो चली जाती है। कासुया सोचता है ये अभी अभी क्या हुआ, वो मुझे कम्प्लीटली अवॉइड कर रही है, क्या मुझे कुछ भी करके दादी को मना कर देना चाहिए था। मिसुहारा ने मना नहीं किया तो मैं भावनाओं में बह गया, अभी तो मुझे इस बारे में अच्छा फील हो रहा था। वो मेरे साथ पार्टी में गई, वॉक पे गई, मुझे लंच के लिए इनवाइट किया, ये क्लियर था कि उसे मुझसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मैंने तो रूका से भी सब क्लियर कर दिया था, मुझे लगा था अभी तक मेरे पास चांस था, पर अब ये क्लियर है कि ये टाइम कन्फेशन के लिए सही नहीं है। और सीन ट्रिप वाले दिन पे शिफ्ट होता है और दादी सभी को ट्रेन के टिकट्स दे रही थी और वो मिसुहारा को गले लगा के कहती है तुम प्रीशियस हो, आई लव यू सो मच। कासुया कहता है आप सुबह से 10 बार ये बोल चुके हो। और अब वो सोचता है मुझे लगा था मिसुहारा नहीं आएगी, पर ये तो हमेशा की तरह ही लग रही है, क्या इसका मतलब ये गुस्सा नहीं है, तो फिर उस दिन वो मुझे अवॉइड क्यों कर रही थी। और फिर वो मिसुहारा को देखकर सोच रहा था ये जब भी फैमिली से मिलती है ये कभी ज्यादा फ्लैशी कपड़े नहीं पहनती, सामान भी बहुत कम कैरी करती है, नेल्स भी अच्छे रखती है, इसका फैमिली फ्रेंडली टाइप का ऑरा होता है, ऐसा फील हो रहा है ये मेरी GF नहीं वाइफ है। और फिर वो खुद को स्लैप करके मन में कहता है मैं फिर उसके प्यार में खो गया। वो सोचता है मुझे तो ये भी नहीं पता उसके दिमाग में क्या चल रहा है, वो मुझे अवॉइड क्यों कर रही है। अब दोनों के बीच में रूका आ जाती है और फिर मिसुहारा कासुया के डैड से सामान रखने में हेल्प के लिए पूछती है। कासुया सोचता है क्या मिसुहारा मुझसे दूरी बना रही है, और रूका उससे कहती है क्या हुआ कासुया। कासुया कहता है कुछ नहीं, और वो सोच रहा था रूका मुझ पे नजर रखने के लिए आई है और मिसुहारा गुस्सा नहीं है, पर शायद वो ऐसा बर्ताव कर रही है क्योंकि उसे यहाँ आने के लिए फोर्स किया गया है, मुझे ध्यान रखना होगा कि ट्रिप पे कुछ उल्टा सीधा ना हो। और दादी फोन पे कीबे से पूछ रही थी तुम कहाँ रह गए। कासुया शॉक हो जाता है, वो पूछता है कीबे भी आ रहा है। दादी कहती है मुझे लगा एक और यंग लड़का साथ होगा तो मिसुहारा को अच्छा लगेगा। और तभी वहाँ कीबे कूरी के साथ आता है। अब सभी की हालत खराब हो रही थी और रूका तो चिल्ला देती है क्योंकि स्टार्टिंग में कूरी ने रूका को रेंटल GF बनाया था और उसे ये भी पता है कि मिसुहारा भी रेंटल GF है। कासुया सोच रहा था क्या कीबे ने इसे इनवाइट किया है, यहाँ हो क्या रहा है, प्रॉब्लम्स बढ़ती ही जा रही है। और रूका को भी याद आ रहा था उसने उसे रेंट करने के लिए थैंक्स बोला था। दादी पूछती है तुम चिल्लाई क्यों, और कीबे कहता है तुम तो वही हो ना। तभी दादी कहती है मैं इंट्रोड्यूस करवाती हूँ, वो कहती है रूका मिसुहारा की फ्रेंड है। और अब कूरी सोच रहा था मिसुहारा की फ्रेंड, कीबे कहता है अब तुम्हें क्या हुआ, तुम कुछ जानते हो क्या। और कासुया मन में कहता है प्लीज कुछ मत बताना, ये मत बोल देना कि वो तुम्हारी एक्स रेंटल GF है। और वो बात को घुमाने के लिए बोलता है हम बहुत दिनों बाद एक साथ ट्रिप पे जाएंगे। और वो डिसाइड करने लगते हैं हम वहाँ क्या करेंगे, रॉक क्लाइंबिंग कैसा रहेगा। और कासुया सोचता है जब तक हम रेंटल वाली बात को सीक्रेट रखेंगे हम मैनेज कर सकते हैं। और दादी कहती है ऐसा लगता है सब एक दूसरे को जानते हैं तो ऑकवर्डनेस नहीं रहेगी, ट्रिप अच्छी जाएगी। और वो सबको ट्रेन में चलने को कहती है। और कूरी कासुया से कहता है मुझे बाथरूम जाना है तुम साथ चलोगे। अब बाथरूम में जाकर कूरी पूछता है ये सब क्या चल रहा है, कासुया उससे सॉरी कहता है। कूरी कहता है मिसुहारा अभी भी तुम्हारी GF है, पर रूका यहाँ क्या कर रही है। और कासुया सोचता है मैं इसे नहीं बता सकता कि रूका मेरी ट्रायल GF है। वो कहता है डबल डेट के बाद शायद वो दोनों एक दूसरे को जानने लगी और फिर दादी ने उन्हें साथ में देख लिया तो इस तरह सब हुआ। वो कहता है प्लीज रेंटल GF वाली बात के बारे में कुछ मत कहना। कूरी कहता है मुझे पता है तुम्हें मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तभी वहाँ कीबे आ जाता है
और अगले सीन में सब ट्रेन में जा रहे होते हैं और सबसे पीछे रूका और कासुया थे। कासुया रूका को पकड़ के पीछे खींच लेता है और बोलता है, मुझे तुम्हें बताने की जरूरत तो नहीं है कि कोई भी जीएफ वाली बातें मत करना और मुझसे चिपकना भी मत। रूका उस पे चिल्लाते हुए कहती है, मैं बच्ची नहीं हूँ, मुझे पता है। कासुया कहते हैं, इतना लाउड मत बोलो। रूका कहते हैं, मुझे पता है पहले क्या हुआ था और मैं कुरी को हर्ट नहीं करना चाहती थी, और वो और मैं एक दूसरे को अच्छे से जानते भी नहीं है, हम कम्प्लीटली स्ट्रेंजर्स हैं। वो ट्रेन में जाती हुई कहती है, मैं तुम्हें मिजुहारा से कन्फेस करने से दूर रख पाऊंगी, यही मेरे लिए काफी है। और अब कासुया ट्रेन में नीचे बैठा सोच रहा था, सब कुछ हाथ से निकलता जा रहा है। तभी मिजुहारा उसके पास आती है और पूछती है, सब ठीक है ना? कासुया कहता है, कुरी ऐसा फ्रेंड आया है और रूका भी कंट्रोल में है, पर सॉरी मेरी वजह से तुम इस क्रेजी ट्रिप पे फंस गई हो। मिजुहारा कुछ नहीं कहती। कासुया कहता है, तुम्हारे पास मनी है ना? मिजुहारा कहती है, हाँ सर्वाइवल हो जाएगा। वो कहती है, मुझे एक और बार तुम्हारी दादी से मिलना है। फिर वो उसे वो रिंग वापस कर देती है जो कासुया की दादी ने उसे पहले दी थी। वो कहती है, मैं इसे नहीं पहन सकती, तो इसे रखना अजीब है। कासुया कहता है, ये तो हमारा है। मिजुहारा बताती है, पहले हॉस्पिटल में तुम्हारी दादी ने मुझे ये दिया था। वो कहती है, ये तुम्हारी फैमिली के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जानकर शायद उन्हें हर्ट होगा कि मैंने इसे वापस कर दिया। कासुया कहता है, मैं दादी को एक्सप्लेन कर दूंगा, तुम चिंता मत करो। और कासुया सोच रहा था, मैं दादी को मिजुहारा पर इतना प्रेशर डालने नहीं दे सकता, मेरी वजह से मिजुहारा इतनी बड़ी प्रॉब्लम में थी और मुझे पता भी नहीं चला। और मिजुहारा कहती है, हम इससे निकल जाएंगे। वो कहती है, कुरी यहाँ है और रूका को पता है रूम कैसे रीड करना है। वो उसके पास बैठती है और कहती है, चलो एक साथ इसे पार करते हैं। कासुया सोचता है, हम कर सकते हैं, ये रोने का टाइम नहीं है, हम कर सकते हैं। और यहीं पे ये एपिसोड एंड हो जाता है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल पे पहली बार आई हो तो सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।